हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपका क्लास 11th का जो आज ज्योग्राफी का 19 अगस्त 2021 को होमवर्क आया है। इसमें चैप्टर थर्ड में हमारा टॉपिक चल रहा है भूकंप के प्रकार। इसमें पहला है लावा को परिभाषित कीजिए। उत्तरा ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी की मेंटल परत से निकलने वाले व धरातलीय स्तर पर पहुंचने वाले तरल व तप्त पदार्थ को लावा कहते हैं। दूसरा है मैग्मा क्या है। धरातल के नीचे तरल व पिघली अवस्था में मिलने वाले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का वर्णन करो। इस प्रकार के ज्वालामुखी में समय समय पर विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है और लावा धुआं और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और शंकु का निर्माण होता रहता है। इटली का एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो कि 2500 वर्षों से सक्रिय है। चौथा, प्रसुप्त ज्वालामुखी की विशेषताएं बताइए। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी है जो इतिहास में तो उद्गारित होते रहते हैं किंतु वर्तमान में सक्रिय नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी हल्के भूकंप और गर्म स्रोत या झरने द्वारा अपनी गतिविधियों का संकेत दे सकते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी में मैग्मा तो होता है पर उसमें कोई हलचल नहीं होती है। पांचवा है ज्वालामुखी कुंड का वर्णन कीजिए। धसे हुए विध्वंस कृत लावा के गिरने से जो खड्डे बनते हैं वे ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। उनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है बल्कि इनके बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। तो इस तरह से बच्चों, जो आज आपका सवाल 3.2 का होमवर्क आया वो कंप्लीट होता है। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद भरत रोड़ा में आकर पूछिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।